दिगंबर स्थिति में रहता हो, अमंगल भेष। देखो भैया एक बात बताएं, अमंगल भेष क्या होता है? अगर आप किसी मुर्दे की सौ यात्रा में सम्मिलित हो गए, समझ गए हो ना, अगर मुर्दे की सौ यात्रा में आप सम्मिलित हो गए तो आप अपने को शुद्ध मानते हो कि अशुद्ध मानते हो, पहले ये बताओ। शुद्ध अशुद्ध हो गए ना आप, जाते समय आप अशुद्ध हैं और लौटते समय आप अशुद्ध हैं, जब तक स्नान ना कर लें, यज्ञोपवीत ना बदल लें, गंगा जल ना पी लें, यही मान्यता है कि नहीं? लेकिन शंकर जी तो ताजे मुर्दे की रोजा ही भस्म लपेटते हैं, और वो भी स्नान करने के बाद। अब आप गजब की बात तो ये है, स्नान के पहले अगर मालस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, स्नान करने के बाद ताजे मुर्दे की भस्म को रमाते हैं। अमंगल भेष और नरमुंडों की माला, बोलो भाई नरमुंडों की माला पहनते हैं कि नहीं, जल्दी बोलो, हैं? और साथ ही साथ श्रृंगार करते हैं तो किसका सर्प ही सर्प लपते हैं। ओहो, मैं एक बात बता दूं, तुम्हारा पति अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध हो, सुनकर के तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन वो तुम्हारे पास आवे कोबरा सांप लेके, क्यों भाई? तो ऐसी कंडीशन में बोलो, बैठोगी कि भागोगी? चाहे जैसा ख्याति लब्ध पति क्यों ना हो, भाई सर्प ही सर्प, खतरनाक सर्प, तो भागने की कोशिश करोगी? बोलो भाई, सर्प को देख के लोग भागते हैं, भय व्याप्त होता है। ओ भगवान शंकर तो श्रृंगार करते हैं, करते हैं कि नहीं? सर्पों का श्रृंगार होता है। कानन कुंडल पहरे ब्याला, तन विभूत पट केहरी छाला। कानन कुंडल पहरे ब्याला, छोटे छोटे सांप कानों में, जटाओं में एक बढ़िया फर्स्ट क्लास का पदम वाला सांप, और वो मणि वाला मणिहारा सांप रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि कहीं अंधेरे में जाना हो तो लाइट फोक, समझ गए कि नहीं? हाँ भाई, सब जगह जाना ना पड़ता है, प्रकाश की व्यवस्था भी तो चाहिए। तो मणिहारा सांप बढ़िया, मणि का प्रकाश, चाहे जैसा घनघोर पानी बरसे, बोलो मणि का प्रकाश समाप्त तो हो सकता है, घनघोर वर्षा भी मणि को, मणि के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकती है। प्यारे, समुद्र के अंदर डाल दीजिए मणि को, और जब निकालोगे तो बोलो प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं? असली मणि का यही प्रभाव है। समुद्र के नीचे मणि चली जाए, लेकिन आप कई वर्ष बाद निकालो मणि को या मिल जाए आपको, तो बोलो प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं निकलेगी मणि? ये मणि की विशेषता है। तो मणि रहती कहां है? सर्प के पास रहती है, रहती है कि नहीं रहती है? और सर्प के पास अगर मणि रहती है प्यारे, तो भगवान शिव मणिहारे सर्प को जटाओं में लपेटे रहते हैं। ऐसी कंडीशन में भले ही कितना ख्याति लब्ध पति क्यों ना हो, लेकिन पत्नी भागी जाएगी, इधर भागेगी उधर भागेगी, श्रद्धा भले ही उसकी बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, संस्कारी है तो श्रद्धा तो रहे ही करेगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो पति के पास सदा नहीं रह सकती है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अमंगल भेष में सर्प भी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं शंकर जी के साथ? और दिगंबर ताजे मुर्दे की भस्म लपेटे रहते हैं। एक बार शंकर जी से पूछा गया, ये मुर्दे की भस्म लपेटे रहते हैं तो आखिर मुर्दे से आपको इतना प्रेम क्यों? अरे भस्म तो और भी प्राप्त हो सकती हैं, क्यों भाई, हो सकती हैं कि नहीं? जैसे भस्म लेना है तो गाय के गोबर के उपले मानी कंडे बनाए जाएं और उनको जला दिया जाए तो भस्म तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे और है, अगर आपको लपेटना ही है तो यज्ञ वेदी की भस्म को लपेटो, क्यों भाई? जो यज्ञ वेदी में, यज्ञ कुंड में, हवन कुंड, तो हवन की जो भस्म बने उसको लपेटो, तो कहने ही क्या,
लेकिन आप किसी हवन कुंड की भस्म को स्वीकार नहीं करते हैं, आप किसी भोजनालय की भस्म को स्वीकार नहीं करते हैं, आप गाय के गोबर के बने हुए कंडों की भस्म भी आप नहीं स्वीकार करते हैं, मुर्दे की भस्म आपको बहुत प्रिय है। शंकर जी ने कहा प्रिय है, तो मुर्दे से आप प्रेम क्यों करते? भगवान शंकर ने कहा इसलिए करता हूं, मेरा असली प्रेम है राम के नाम से। बात तो सही है, मेरा असली प्रेम किससे है? राम जी के नाम से। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि ठीक से समझा दूं आपको, लेकिन अच्छे श्रोता हो तो समझ रहे हो, आनंद भी ले रहे हो और हम भी आनंद दे रहे हैं आपको। ऐसे श्रोताओं की आवश्यकता मुझे रहती है। कहीं कहीं के श्रोता तो बिल्कुल पत्थर बन के बैठ जाते, ना हिलते ना डुलते ना बोलते भी नहीं है। हिले डुले ना तब तो ठीक ही है भैया, बहुत अच्छे श्रोता, लेकिन बोलते ही नहीं है। आप कहो महाराज बोले ही नहीं, अरे तो कम से कम भाव भंगमा तो रहे उनकी ऐसी कि हाँ बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। और एक जगह तो हम ऐसी जगह पर फंस गए सत्संग में कि आगे देवी जी बैठी बीड़ी पी रही थी बैठी बैठी। हाँ समझ लो, मैंने कहा ओ हो, पहले तो मैं ये समझा कि अगरबत्ती क्यों लगा दी वहां, धुआं था उड़ा भाई, धुआं उड़ा तो मैंने कहा कि देखो वहीं अगरबत्ती लगा दी अभी। अगर हमने कहा अगरबत्ती हटाओ तो कार्यकर्ता सब भागे इधर उधर, अगरबत्ती मिली ना, अगरबत्ती हो तब ना मिले। फिर धुआं निकला तो मैंने कहा जरा गौर से तो देखो आखिर किसी कपड़े अपड़े में आग तो नहीं लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो सामने ही बैठी बैठी बीड़ी पी रही थी। तो फिर भी मैं नहीं समझ पाया, मैंने कहा ये बताओ देवी जी कौन कंपनी की अगरबत्ती है, बड़ी दुर्गंध मारती है अगरबत्ती, अगरबत्ती में तो सुगंध आती है। तब कहा महाराज हमारी आदत है, हम अगर ना पिए बीड़ी तो हम बैठ नहीं सकते। क्यों? बोले हमको दिक्कत हो जाती है। हमने कहा तो एक काम करो, माइक लगा है तुम्हारे मकान के पास, वहां बैठो और बीड़ी पियो, कथा सुनो पांडाल में नहीं। और नहीं तो ये नशा है, छोड़ो इसको, इससे कोई रोग ठीक नहीं होता, ये भ्रम है। कोई भी मादक वस्तु का सेवन आप करते हैं, आप कहते हैं लाभ हो रहा है, ये भ्रम है, केवल ये भ्रम है, लेकिन वो वस्तुतः हानिकारक ही होता है। एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्संग में मन नहीं लगता है लोगों का, क्यों? इसलिए क्योंकि नशे की आदत है, और सांसारिक मादक नशा सेवन करते हैं तो सत्संग में वही याद आता है, घंटे आध घंटे घंटे बाद उन्हें नशा याद आता है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। राम कथा का नशा हो तब तो बहुत अच्छी बात है कि आराम से बैठे, लेकिन सांसारिक नशा लग गया है, मादक पदार्थों का नशा आ गया, इसलिए उनका मन नहीं लगता है, तो वो छटपटाते हैं, भागते भी हैं, और फिर नशा करके फिर आ जाते हैं, बैठ जाते या चले ही जाते हैं। उन्होंने कहा गांजा अफीम और भांग चरस सिगरेट शराब पीने वाले मन को जो बस में कर न सके वो सत्संग में आना क्या सीखे, सत्संग में आना क्या जाने। जो मन को बस में नहीं कर पाए वो सत्संग में आना क्या जाने। प्यारे सत्संग में तो वही आ सकते हैं जिनको सत्संग का नशा होगा, और ये नशा ऐसा है सत्संग का कि ये नशा एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है। तमाकू का, गांजा का, सिगरेट का, बीड़ी का, शराब का नशा घंटे दो घंटे चार घंटे छह घंटे आठ घंटे में उतर जाएगा, उतर जाएगा कि नहीं? तभी तो लोग दोबारा तमाकू खाने वाले फिर दोबारा खाते हैं, नशा उतर गया। बीड़ी पीने वाले दोबारा बीड़ी पीते, नशा उतर गया। सिगरेट पीने वाले दोबारा सिगरेट पीते, नशा उतर गया। शराब पीने वाले दोबारा शराब पीते, नशा उतर गया। लेकिन सत्संग का ऐसा नशा है कि एक बार चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं है, ऐसा सत्संग का नशा है। इसलिए मैं कहता हूं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। शराब उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? बोलो,
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। सत्संग में प्यारे तू मन को लगा ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, बस सत्संग में तू मन लगा ले। ये सबसे बड़ा नशा और सबसे हितकर नशा है, श्रेष्ठ नशा है। सत्संग से अच्छा नशा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता है, और विवेक अगर जागृत नहीं होगा तो समझ लो जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा। क्योंकि विवेक जागृत होता है तभी प्रकाश जिंदगी में आता है, और विवेकहीन व्यक्ति हो जाता है तो अंधकार ही जीवन में रहता है। इसलिए विवेक को जागृत करना है तो सत्संग सुनना पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे नशा है। किसका नशा है? मुर्दे की ताजी भस्म लगाने का नशा? ना ना ना, राम नाम का नशा है। पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामा भिरामम, पियो पियो, क्या पियो? राम नामा अमृत पियो, है ना। पीने के वाला पेय पदार्थ सबसे अच्छा कौन है? बोले राम नामा अमृत है, बोले इसको पियो। तो मैं राम नामा अमृत पीता हूं। लोगों ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं आप भांग पीते हैं। अरे, बोले भांग पीते हैं। फिर कहे भांग से लोग स्नान कराते हैं, पीते नहीं है। भांग से लोग स्नान करा देते हैं, अभिषेक होता है तो बोलो भाई स्नान कराते हो ना, भांग का डाल के ऊपर से अभिषेक कर दिया, पीते वीते नहीं है। अरे दुनिया कह रही है कि आप भांग पीते हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं राम नामामृत पीता हूं। अब क्या करें, दुनिया की आंखों पर मोतियां बिंद है तो उन्हें लगता भांग पी रहे हैं, हम तो राम नामामृत पी रहे हैं, कथामृत पी रहे हैं, हम भांग वांग नहीं पीते हैं। अच्छा, मैंने सुना है महाराज कि आप गांजा पीते हैं। अरे, बोले और बेकार की बात कर रहे हो तुम लोग, कभी नहीं। लोग इसलिए तो आपके कारण पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। शंकर जी ने कहा हम जहर भी पी रहे हैं, लोग जहर क्यों नहीं पी रहे हैं? संसार का हलाहल विष तो मैंने ही पिया है। क्यों भाई? संसार का सबसे बड़ा हलाहल विष निकला, जो खतरनाक विष था, विष की ज्वाल बन के एक दीवाल खड़ी हो गई जहर की। और बोलो ईमानदारी से, वो धार जब निकली विष की समुद्र से तो किसने पिया था? भगवान शिव ने पिया था। दुनिया ये नहीं देख रही है कि मैंने विष पिया, तो अगर मैंने विष पिया है तो उसे भी पिए लोग, तो मैं जान जाऊं कि मेरे भक्त हैं। नहीं, मैं तो राम नामामृत पीता हूं, सारे विश्व को संदेश देता हूं, यदि मेरा भक्त कोई बनना चाहता है तो वो राम नामामृत पिए, मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न उस पर होता हूं और उसे आशीर्वाद देता हूं हृदय से। राम नामामृत पियो, पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामा भिरामम। फिर आपको राम नाम से प्यार है तो मुर्दे की बात कहां से आ गई है भस्म लगाना? कह बात यह है, संसार का मैं भ्रमण करता हूं क्योंकि विश्वनाथ हूं। क्या हूं? विश्वनाथ। पूरे संसार का मैं भ्रमण करता हूं। तुलसीदास जी से पूछा विश्वनाथ जी की महिमा कितनी बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी बोले विश्वनाथ विश्वनाथ मंगनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में महिमा विदित, कौन नहीं जानता है भगवान शिव को? विश्वनाथ। तो आप विश्वनाथ हैं ठीक है, लेकिन आप निरीक्षण करते हैं तो देखते क्या है? मैं ये देखता हूं जहां भी जाता हूं सत्संग हो रहा है, मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं चलो सत्संग में, फुर्सत नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आज नहीं मिल रही है फुर्सत, अभी नहीं मिल रही है तो आधा घंटे बाद चले जाना फुर्सत निकाल के। आज तो कंफर्म है फुर्सत मिलेगी ही नहीं, बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं, पेंडिंग
बहुत काम पड़े हैं, फुर्सत नहीं है। शंकर जी कहते हैं, हम फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक आध दिन में काम समेट लो अपने। सत्संग तो 7 दिन चलेगा, 1 दिन निकल गया तो 6 दिन बचे हैं, तो चलो भाई दूसरे दिन फुर्सत निकाल लेना, कल बताएंगे। शंकर जी कहते फिर हम राउंड पर गए तो सबने यही कहा कि रात में चिंतन किया तो इतने काम निकल आए कि आज 2 दिन तक फुर्सत ही नहीं मिलेगी। शंकर जी कहते हम बहुत परेशान हुए, लोगों को देखा तो सब यही कहे फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। ना राम का नाम लेने की फुर्सत, ना कथा सुनने की फुर्सत, संसार के कामई में इतने व्यस्त हैं कि फुर्सत आई नहीं। ना राम का नाम लेने की फुर्सत, ना कथा सुनने की फुर्सत। शंकर जी ने कहा कि लेकिन मैंने ये देखा, जो व्यक्ति कह रहा था ना राम का नाम लेने की फुर्सत और ना कथा सुनने की फुर्सत, लेकिन जब उसके प्राण निकले तो उसके साथ जिन्हें फुर्सत भी नहीं मिल रही थी कभी, वो सारे व्यस्त से व्यस्त लोग काम काज छोड़कर उसके साथ चले और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, सभी राम राम कह रहे थे, वो किसी का मुंह बंद ही नहीं था। तो मैंने कहा बारे मुर्दे तू कितना जबरदस्त है कि जो कभी राम का नाम ले नहीं सकते थे, फुर्सत नहीं मिल रही थी, आज वो अपने सारे काम छोड़ करके तेरे पीछे चल रहे हैं और राम राम कह रहे हैं और तू अकड़ा मकड़ा पड़ा है, लेकिन तेरा चमत्कार इतना अच्छा है कि चलने वाले लोग सब राम राम कह रहे हैं, धन्य है मुर्दा तू। हजारों लोगों से राम राम लुवा रहा है, क्यों भाई? ए मुर्दे, तू जिंदा में तो कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरने के बाद ये अच्छा काम हो गया कि तेरे मरने से कम हजारों ने राम राम तो कहा। क्यों भाई? मरने से हजारों ने राम राम कहा है और मैं सुन रहा हूं कि लोग आंसू भी बहा रहे हैं और राम राम भी कह रहे हैं। बोलो कह रहे कि नहीं कह रहे? और स्मशान तक राम राम कहते गए। तो शंकर जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं तेरे इस शव पर, अब तू जल के खाक हो रहा है, लेकिन तूने हजारों से राम राम कहलवा दिया है, अब तेरी भस्म को मैं रोम रोम में रमाऊंगा, क्योंकि तेरे कारण हजारों ने राम राम कहा। तो मुझे मुर्दे से प्रेम नहीं है, राम के नाम से प्रेम है, लेकिन मुर्दे के कारण राम का नाम लोगों ने लिया है, इसलिए आज मैं तेरी भस्म को रोम रोम में रमा रहा हूं। बात समझ में आई राम नाम की कितनी बड़ी कीमत है, कितनी बड़ी कीमत है, कितना बड़ा महत्व है राम राम का। बोलो आज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जिंदगी में ले लो राम राम, तो शंकर जी कितने प्रसन्न होंगे। काहे के लिए वो दिन का इंतजार कर रहे हो कि हम मरे तब लोग राम राम लेवे हमारे साथ? अरे जिंदा में ही राम राम कहो, अपने प्रेमियों को प्रभावित करो कि राम राम कहा करो, एक दूसरे जब मिलो आपस में तो राम राम कह के मिला करो। क्यों भाई? राम राम कह के मिला करो, और यदि किसी का दुख देखो तो दुख देख करके राम राम कह दिया करो, राम 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 राम, दुख दूर हो जाएगा उसका। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और कभी शरीर में वेदना हो तो राम राम कह लिया करो, सोने के पहले राम राम, जागते समय राम राम कह दिया करो, और भैया जो भी कार्य किया करो उसमें राम को जोड़ दिया करो, तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाएगा। हर कार्य से राम जुड़ जाएंगे, और जिस कार्य से राम जुड़ जाएंगे याद रखना वो धर्म ही होगा, कभी अधर्म नहीं होगा। बोलो जिस कार्य से राम जुड़ेंगे वो धर्म माना जाएगा कि अधर्म? धर्म माना जाएगा। इसलिए संकल्प यदि हो, जैसे भोजन अगर नियम बना लो कि बिना तुलसी दल के हम कोई चीज ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो सही बताओ तुलसी दल जिसमें पड़ सकता है उसी में तुम डालोगे कि नहीं? और तुलसी दल ऐसे व्यंजन में पड़ेगा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लेस मात्र भी तामस ना हो। बोलो भाई उसी में तुलसी दल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? और जब तुलसी दल पड़ जाएगा तो तुलसी दल डालने के पहले विचार ये हो जाएगा कि इसमें तुलसी दल डाला जा सकता है, इसमें तुलसी दल नहीं डाला जा सकता है। लेकिन हम बिना तुलसी दल के कोई पेय पदार्थ हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, हम बिना तुलसी दल के ग्रहण नहीं करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ ये जितने भी तामसे व्यंजन हैं, बोलो अपने आप पलायन कर जाएंगे कि नहीं? तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे कि नहीं? सारे तामसी व्यंजन तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे,
सात्विकी स्वरूप तुम्हारा हो जाएगा, सात्विक व्यंजनों के तुम ग्राही बन जाओगे। सात्विक व्यंजनों में प्रसाद नहीं प्यारे, वो महाप्रसाद प्रसन्नता बन करके तुम्हारे साथ सदा रहेगा, तुम्हारे जीवन के साथ रहेगा। शंकर जी इसलिए ताजे मुर्दे की भस्म लगाते हैं, समझ लो उस बात को, है ना। अच्छा भाई और सुन लो, शंकर जी धतूर का फल स्वीकार करते हैं। धतूर होता है ना, आपके यहां क्या बोलते हो, धतूरा, उसको धतूरा कह लो चाहे धतूर कह लो, ये कई बात है, थोड़ा डंडा का अंतर है। हमारे यहां धतूर कहते हैं, यहां धतूरा डंडा लग गया, क्योंकि जहां डंडे वाले लोग ज्यादा रहते हैं वहां डंडा लगा देते हैं, तो धतूरा हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं है, धतूरा। अब धतूरा ईमानदारी से बताओ कहां पैदा, कोई धतूरा की खेती नहीं करता है। और आजकल लोग हो सकता औषधि के रूप में खेती करने भी लगे हों तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो वैद्यों से पूछा जाए कि किस औषधि में धतूरा डाला जाता है। लेकिन सही बात तो ये, ज्यादातर धतूरा खोजने वाले लोग कूड़ा कचरा पड़ा रहता है वहां जाते हैं खोजने के लिए। क्यों भाई, जाते हैं कि नहीं? अरे चले जाओ, वहां राख वाख पड़ी होगी, वहां धतूरा होगा जरूर। जहां गांव भर की राख डलती है, क्यों भाई, राख वाख, वहीं पर धतूरा मिल जाता है और फल लेकर के। अच्छा धतूरा किस देवता के पूजन में काम आता है? केवल भगवान शिव के पूजन में, वही स्वीकार करते हैं, उन्हीं को पसंद है। बोलो है पसंद कि नहीं? वैसे श्रद्धा से आप कोई भी फल चढ़ा दो ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा फलों में अगर प्रिय है तो धतूर फल है। बोलो है कि नहीं? कौन सा फल है? धतूर का प्रिय फल है ये उनका। क्यों? मुर्दे की भस्म प्रिय है, धतूर का फल प्रिय है। बोलो है धतूर का फल प्रिय कि नहीं? क्यों? भगवान शंकर कहते हैं सारे फलों को मार्केट में सप्लाई किया जाता है, उनकी कीमत है, लेकिन एक धतूर फल ऐसा है कि जिसकी लोग कोई कीमत नहीं करते हैं। तो दुनिया ने जिसको पैसे के बल पर ग्राही के रूप में स्वीकार कर लिया है, पैसे के दम पर हजारों लोग ग्राहक बन गए हैं, बोले अनार फल लो, सेव फल लो, संतरा फल लो, लेकिन एक ऐसा फल है जिसको लोगों ने कूड़े कचरा कर मान करके उसको त्याज कर दिया है समाज से, जिसको दुनिया ने ठुकराया है, शिव कहते हैं उसको मैंने स्वीकार किया है, इसलिए दुनिया ने धतूर फल को ठुकरा दिया है तो शिव ने उसे स्वीकार कर लिया है। बोलो कर लिया है कि नहीं? अच्छा सर्पों से प्यार करते हैं क्योंकि इनमें विष है। सर्पों में क्या है? विष है। अमृत तक ये आने नहीं देते हैं किसी को, अमृत की रक्षा भी करते हैं ये सर्प ही, आने नहीं देते हैं। अमृत का घड़ा जहां रखा होगा वहां चारों तरफ सर्प लग जाएंगे, जाने नहीं देंगे वहां, समझ लेना। लेकिन इनमें अमृत, ये अमृत पीते नहीं है, है विष, लेकिन किसी को पीने भी नहीं देते, समझ गए हो कि नहीं? इनमें है विष, लेकिन सर्पों की क्वालिटी ऐसी है कि है विष लेकिन अमृत पास में रखा है, ना पीते हैं ना पीने देते हैं, ये कंडीशन है इनकी। और जहर इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है इनमें कि आज लोग जहर को, इन सर्पों की रक्षा कर रहे हैं विष लेने के लिए, ओरिजिनल विष लेने के लिए। अब तो कृत्रिम विष बनने लगे हैं, लेकिन ओरिजिनल विष इन्हीं से मिलता है, सर्पों से। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये सर्प हैं, इनके पास विष है और भय के मारे कोई आता नहीं है इनके पास, समझ रहे हो कि नहीं? भय के कारण कोई आता नहीं है। जबकि नाग पंचमी के दिन एक एक मुहूर्त, एक तिथि ऐसी है नाग पंचमी की कि प्यारे वो नागों की ही पूजा उस दिन की जाती है। बोलो की जाती कि नहीं? उस समय नाग देवता मान करके इनकी पूजा की जाती है और दुनिया दूध पिलाती है, लेकिन सांप के सामने जाके कोई दूध नहीं पिलाता है, दूध रख दिया जाता है दूर से, सर्प पी लेता है। अच्छा बोलो ऐसा कोई है कि सर्प के पास, हाँ दांत वांत निकल गए हो तो अलग बात है, किसी सपेरे पेरे ने पकड़ के उसके दांत निकाल दिए हो और पिटारे से निकालो तो भले ही हाथ फेरते रहो चाहे दूध पिलाते रहो, लेकिन बामी के पास दूध रखा जाता है कि नहीं, जल्दी बोलो कहाँ रख, नाग पंचमी को कहाँ दूध रखा जाता है?
बामी के पास रखा जाता है। क्यों? बामी के अंदर सर्प होगा, समय से निकलेगा और दूध पीलेगा, पीलेगा कि नहीं। और वैसे शंकर जी के मंदिर में जाकर के दूध रखते हैं लोग, सर्प जो ऊपर होता है ना, जो जयपुर जोधपुर के कारीगर ने ऊपर से सर्प रख दिया ना बना के, तो वहां दूध ऐसे हिम्मत बना के जाते हैं वहां, क्योंकि जानते हैं संगमरमर का सर्प है, हैं, या तांबे का सर्प है, या पीतल का धातु का सर्प बना है, लेकिन ओरिजिनल सर्प जो बामी में रहता है, लोग बामी के सामने ही दूध रख देते हैं, ये मान्यता है। शंकर जी ने कहा वो भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, उसमें भी भय रहता है, उस दिन भी भय समाप्त नहीं होता है। वो कैसा देवता है जिस देवता के कारण भय व्याप्त हो जाए, वो कैसा देवता है? लेकिन सारी दुनिया में भय व्याप्त हो गया सर्प के प्रति, लेकिन आज मैं अपने भक्तों को ये कह रहा हूं कि शिव ने सर्प को श्रृंगार मान लिया है। जो शिव को मानते हैं, याद रखना सर्प उनको कभी सताता ही नहीं है, डसता ही नहीं है, जो भगवान शिव को मानते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं। आप कहोगे महाराज फलानी जगह पर शिव मंदिर में एक पूजा करते थे, शिव मंदिर में एक पूजा जाते थे, रोज पूजा करते थे, लेकिन सर्प ने उनको डस लिया और मंदिर ही में डस लिया। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता। बोले महाराज पूछ लो गांव भर से। जब मैंने गांव के लोगों से पूछा कि रोज शंकर जी के मंदिर में जाते थे ये और इनको सर्प ने शंकर जी के मंदिर में डसा है, शिव जी का भक्त हो सर्प कैसे डसेगा? बोले महाराज बतावे हैं आपको, ये जितना भी वहां चढ़ावा चढ़ता था उसको समेटने जाते थे। बात ये थी क्लियर, जितना चढ़ावा चढ़ता था उसको शाम सवेरे समेटने जाते थे, ये करते थे। तो ईमानदारी से बताओ, शिव मंदिर को व्यवसाय माना है कि श्रद्धा का केंद्र माना है? जल्दी बोलो, व्यवसाय माना है, श्रद्धा का केंद्र नहीं माना है। तो ये श्रद्धा की बात है। तो प्यारे मैं कहना ये चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुनना, भगवान शिव ने श्रृंगार बनाया सर्प को, आहार बनाया विष को। बोलो आहार किसे बनाया? धतूर में भी विष है उसको भी आहार बनाया, और स्वयं विष पी गए उसे भी आहार बनाया है। और श्रृंगार किसे बनाया है? सर्प को श्रृंगार बनाया है। मुर्दे को रोम रोम में रमा है, मुर्दे की भस्म को। बोलो रमा कि नहीं? मुर्दे की भस्म को रोम रोम में रमा। अब बोलो भाई ऐसी स्थिति में लोग अमंगल भेष कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और ये लक्षण जिसमें पाए जाएं ऐसा पति मिलेगा,